हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप भी अपनी सब्जी की या छोले राजमा की ग्रेवी को गाढ़ा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, हरे धनिया और हरी मिर्चें। और हरे धनिए की डंडियों को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि उसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारे बहुत काम की हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, पत्ती पत्ती तोड़ लेते हैं धनिए में से और डंडियाँ फेंक देते हैं, तो वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है हमारा धनिया। तो हम उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं ले लेती हूँ जार को और इसको कर लेते हैं ओपन। इसमें मैं डाल देती हूँ, ये है हरा धनिया विद डंडियों समेत। और बल्कि मैंने सारा धनिया भी नहीं डाला है इसमें, ऊपर का धनिया दाल में और रसे की सब्जी में ऊपर से डालने के लिए मैंने रख लिया है। तो ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी। ये दिख रही है ना डंडियाँ आपको, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने बढ़िया फ्लेवर आएगा और हर कोई पूछेगा कि वाह ग्रेवी आपने कैसे गाढ़ी करी। तो मैं अभी इसमें हरी मिर्चें और डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चार हरी मिर्चें ले ली हैं, एक दो तीन और ये चार, क्योंकि अपने हिसाब से हम इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तीखी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि नमक से जल्दी ख़राब होने का रहता है। अब हम इसको कर देंगे बंद। ये हो गया बंद। अब मैं इसको इसमें फिट करके अपने ब्लेंडर में, मैंने मिक्सर में इसलिए नहीं पीसा क्योंकि इसमें क्या है, ये मैंने इसका रिव्यू भी दिया था आपको अपनी इस वाली मिक्सर का, कि बहुत ही ज़्यादा इसमें बारीक हो जाता है। तो ये डंडियाँ हैं, इसमें थोड़ी सी हार्ड भी हैं, धीरे धीरे पीसेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो वो पतला हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मुझे ज़रूरत लगी बीच में तो मैं एक चम्मच पानी डालूंगी। शायद एक चम्मच हमें पानी और डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ज़रा सा पानी, जिससे कि ये अच्छे से बारीक हो जाए बिल्कुल, और ग्रेवी के टाइम ये डंडियाँ हमारे मुंह में नहीं आनी चाहिए। खोलते ही ऐसी खुशबू आ रही है मस्त कि वाह, कितना इजीली पीस सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं ओपन। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप, दिख रहा है? एक ऐसे मिक्सर को इधर कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब जब भी हमें छोले राजमा या आलू मटर छौंकने हैं, हम सिर्फ टमाटर पीसेंगे, वही अदरक हरी मिर्च वगैरह सब डाल के, हरी मिर्च क्योंकि हमने इसमें भी डाली है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ में तकरीबन एक स्पून या अपनी सब्जी के हिसाब से हम इसको डाल देंगे और टमाटरों के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। अब फिर देखिएगा क्या फ्लेवर आएगा, क्या स्वाद आएगा। तो आप ये मेरी ट्रिक ज़रूर आजमाएं। मैं तो बहुत चीज़ों में इसको ट्राई करा हुआ है, मेरी ट्राई करी भी है ये, इसलिए मैं 110% गारंटी से बोल रही हूँ।
तो आप जरूर ट्राई करिएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।